नमस्कार, मैं हूं सीकेएन शेखर वाजपेयी और बियॉन्ड द थर्ड के स्पेशल एडिशन विमेन बियॉन्ड थॉट में आप सभी का स्वागत है। सवाल सबसे पहला तो मैम यही है कि जिस तरीके से बियॉन्ड द थर्ड के जरिए विमेन बियॉन्ड थॉट हमने एक इनिशिएटिव की शुरुआत की, आपके पास भी इन्फॉर्मेशन मिली, आखिर क्यों ऐसा लगा कि दरअसल महिलाओं के मसले पर इस वक्त बात करने की जरूरत है, तब जब थॉट का जिक्र हो, तब जब बियॉन्ड शब्द हमने ऐड किया, पर इन सारी परिस्थिति के बीच क्यों लगा कि एक महिला लीडर के तौर पे, एक महिला एक्ट्रेस के तौर पे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने की जरूरत दिख रही है आपको? पहले मेरा साष्टांग नमस्कार सभी को। बियॉन्ड थॉट फॉर वुमेन ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है मेरे हिसाब से, और मुझे पता है कि स्ट्रगल क्या होती है लाइफ में। जो सिल्वर स्पून से बॉर्न होते हैं उनके लिए बड़ा आसान होता है, लेकिन मैं हर उस व्यक्ति, हर उस शख्स को बढ़ावा देना चाहूंगी, उनको प्रोत्साहित करना चाहूंगी ताकि वो जिंदगी में आगे बढ़े। क्योंकि जब मुझे आगे बढ़ना था तब मुझे मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, तो मुझे पता है कैसे फील होता है। और जब कोई बहुत मेहनत कर रहा है, जिसमें उत्साह है, जिसमें कुछ करने का जुनून है, जज्बा है, तो उन्हें आगे बढ़ाना यही तो महिलाओं की खासियत है। तो वुमेन बियॉन्ड थॉट ये इटसेल्फ बहुत ही नेक कोट है, मतलब महिलाओं के विचार उनके दायरे और दौराए से कहीं ज्यादा आगे है। तो महिला ये एक शब्द बोलने में बड़ा आसान है, लेकिन महिलाएं जो कर सकती है वो बड़ा ही कठिन शब्द है और एक कठिन जर्नी है, एक कठिन राह है जिस पर चलना पड़ता है। क्योंकि जितना महिलाओं को अपने आप को सुरक्षित रखना पड़ता है वो उतना पुरुष को नहीं करना पड़ता है, क्योंकि पुरुषों को बड़ी आजादी है। इट्स अ मेल डोमिनेटरी वर्ल्ड, यहाँ पर पुरुषों को कई चीजों के लिए आजादी है जो एक महिलाओं को नहीं है। यानी कि अगर आप देखोगे कई सारे रिमोट एरिया में तो अरेंज मैरिजेस अब भी जारी है, अब भी 18 साल की उम्र में लड़कियों की शादियां की जाती है, लेकिन लड़कों को वो क्लॉज नहीं है। एक विधवा औरत की शादी अगर गांव खेड़े में आप करने की सोचोगे तो समाज दस सवाल करता है और उनकी शादियां नहीं हो पाती है, लेकिन एक लड़का अगर जिसकी बीवी मर गई हो उसकी शादी एक महीने में भी हो जाती है, आप समझ रहे हो। कई सारी औरतें जिनको बोला जाता है कि वो पनौती थी, वो मनहूस थी, अपने पति के लिए खा गई, लेकिन ये शब्द, ये अल्फाज कोई एक पुरुष के लिए नहीं यूज करता जब उसकी बीवी मर जाती है। तो महिला में जो सहन शक्ति है और सहानुभूति है वो पुरुषों में उतनी नहीं है। एक महिला का जब बलात्कार होता है तो उसको समाज इतने आसानी से अपनाता नहीं है, लेकिन एक पुरुष के साथ बलात्कार होने के बावजूद भी उसकी शादी हो सकती है। एक पुरुष अगर महिलाओं के चाल चलन में भी हो तो भी उसकी शादी हो जाती है, लेकिन एक महिला का बलात्कार होने के बाद उसकी शादी होनी बहुत ही सोच संकट वाली बात हो जाती है। जैसे उसे 10 बार सोचना पड़ता है कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊँ कि नहीं, समाज मेरे बारे में क्या कहेगा, लोग मुझसे शादी, लेकिन लड़कों को इतनी फिक्र करनी ही पड़ती है। अभी हम आते हैं बियॉन्ड पर। बियॉन्ड एक ये जो शब्द है, बियॉन्ड मतलब आप एक अपना दायरा, एक अपनी मर्यादा जो हद से ज्यादा पार कर सके, एक रिस्क लेना लाइफ में। लाइफ में आपने अगर रिस्क नहीं लिया तो जिंदगी में कुछ नहीं किया, लेकिन जितनी रिस्क महिलाएं लेती है अपनी लाइफ में, जैसे एक घर गृहस्थी वाली महिला, उससे वो जितना रिस्क लेती है ना लाइफ में उतना कोई रिस्क नहीं लेता, क्योंकि वो उसमें जो सहनशीलता है, जो चीजें वो अपने अंदर समा के घुट घुट के रखती है, वो पुरुष को करने की जरूरत भी नहीं देती है। कई सारे शादियों में आप अगर देखते हो तो कई महिलाओं का शोषण बलात्कार घर में ही होता है, आई होप यू नो दैट, लेकिन फिर भी उसे चुपचाप सह के रहना पड़ता है। आज भी राजस्थान में ऐसे होता है
कि यंग औरतें जिनके पति गुजर जाते हैं तो उनके साथ बहुत कुछ अलग अलग व्यवहार होते हैं, तो ये एक सोच रखना बियॉन्ड बहुत बड़ी बात है। मैम चूंकि आप एक महिला एक्ट्रेस हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब मैंने स्टार्टिंग किया पहला ही सवाल था कि विमेन बियॉन्ड थॉट में आप क्यों हैं? ओह यार, सो लेकिन सवाल कुछ और है, क्यों आपने इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट किया? सवाल मेरा है कि ये जो बातें आप इतनी देर से कर रही हैं, आखिर ये कितने दिनों की भड़ास है? आप जरा याद कीजिए, मुझे बताइए कि आज के कितने समय पहले आप कभी महिलाओं के मसले पर कभी इस तरह से बातचीत की है? मैंने अभी तक मेरे पास गिने चुने करीबन 8 अवार्ड्स हैं फॉर माय सोशल वर्क। मैंने हमेशा महिलाओं को सपोर्ट किया है, क्योंकि मैंने यार मेरी मॉम की शादी ना 13 साल की उम्र में हुई, तो उस जमाने में ना अगर वुमन को चम्स हो जाते हैं, पीरियड्स हो जाते हैं, ये वर्ड भी यूज करना बहुत बड़ी बात है लोगों के हिसाब से, हालांकि ये ऊपर वाले की देन ही है, लेकिन फिर भी आप एक विस्पर का पैकेट न्यूज़पेपर में डाले बगैर आज भी मेडिकल वाला आपको देता नहीं है, हालांकि वो पैकेट नॉर्मली लेने में कोई गलत बात नहीं है, इंसान कॉन्डोम ले सकता है हाथ में, लेकिन सैनिटरी पैड वो वैसे नहीं ले सकती है, उसको पेपर में रैप करके देते। तो एक ही इंसान की थॉट प्रोसेस, इंडिया सच अ हिपोक्रिट कंट्री, यू कैन से इट्स अ मेल डोमिनेटेड कंट्री, इट्स अ हिपोक्रिट कंट्री। यहाँ पर इंडिया में कॉन्डोम्स खुले हम बिक सकते हैं, लेकिन विस्पर के पैकेट्स जो कि पीरियड्स में औरतों को लगते हैं वो खुले हम नहीं बिक सकते। तो इतना बोलना ही आई थिंक सुन काफी है आपको समझने के लिए कि क्यों एक चेंज होना कितना जरूरी है हमारे लोगों के लिए, एक चेंज लाना बर्ताव में कितना जरूरी है। एक सोच अगर इंसान बदल दे तो इट्स वुमेन एम्पावरमेंट, तो इट्स इक्वालिटी, लेकिन आज भी इंडिया कहीं ना कहीं उस सोच के आगे गया नहीं। सो दैट्स इट। बड़ा मुश्किल होगा जैसा कि बियॉन्ड दी थर्ड एज पहली दफा मतलब एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ मौजूद है जिनसे अगर मैं एक सवाल करता हूँ तो मुझे लगता है कि 10 सवाल मुझे पूछने की जरूरत है, लेकिन कोशिश होगी कि अपनी जो पर्सपेक्टिव है जिस कॉन्सेप्ट को लेकर ये कार्यक्रम कर रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को सक्सेसफुली यहाँ से कंडक्ट करूँ। मैम अगला सवाल मेरा होगा, जिस तरीके से आपका नाम इसमें एक शब्द जुड़ा है जो आपके प्रोफेशन को डिनोट करती है, वो एक्ट्रेस है। मतलब जैसे ही एक्ट्रेस जुड़ता है तो किरदार बदल जाती है, चीजें बदल जाती है, कार्य करने की शैली बदल जाती है, आपकी पूरी प्रिंसिपल सिद्धांत रोल एक्टिविटी एंड ऑल सब कुछ बदल जाती है, लेकिन अगर मैं एक्ट्रेस रखा दूं, क्या किस अंतर को आप देख रही है? क्या आज की जो स्थिति है महिलाओं के समक्ष वो स्थिति आपके सामने है, या फिर एक बोल्ड इमेज के तौर पे आप खुद को देखती है, एक सामान्य महिलाओं की जो क्राउड है उस क्राउड में खुद को नहीं देखती है? दरअसल दोनों के बीच के अंतर को समझना चाहूंगा और परिचय का जो असल बात होगा यहां से हमारे तमाम दर्शक भी समझना चाहेंगे। ऑफ कोर्स, पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं, एक आम आदमी ना चेहरे पे नकाब डालकर घूम सकता है, लेकिन अफसोस की बात यह होती है कलाकार के लिए, वो कैमरे के सामने भले ही नकाब डाल के किसका भी किरदार निभा सकता है, लेकिन रियल लाइफ में वो कर नहीं पाते, क्योंकि हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स, हमारे इतने हम एक्टिंग के किरदार में इतने सारे रोल निभा लेते हैं कि हम कुछ भी छुपाने की कोशिश करते हैं ना तुरंत हमारे चेहरे पे दिख जाता है। और आप एक्ट्रेस की तो छोड़ दो, आप रियल लाइफ में लोग 3 चेहरे पहनकर ही घूमते हैं, एक चेहरा है जो हम दुनिया को दिखाते हैं, एक चेहरा हम हमारे करीबी लोगों को दिखाते हैं, और एक चेहरा है जो हम सिर्फ खुद को दिखाते हैं, जो हम किसी को नहीं दिखाते। आई एम श्योर आपका भी वैसा ही होगा, हमारा भी वैसा ही है, ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जो असलियत में जो है, जो जो रूबरू वो अपनी अपनी शक्ल आईने में देखता है, वही जमीर, वही जज्बा वो खुले आम दुनिया में दिखाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। अभी रही बात मेरी एज एन एक्ट्रेस और एज अ रियल लाइफ पर्सन, एज एन एक्ट्रेस मैं बड़ी प्रोफेशनल हूँ, मैं श्रूड हूँ, एरोगेंट हूँ, काम से काम मतलब रखना, मुझे ओवर फ्रेंडली नेचर अच्छे नहीं लगते, लेकिन एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, आई एम वेरी सॉफ्ट हार्टेड, मुझे पोएम्स लिखना पसंद है, मुझे अपने में रहना पसंद है, और इस किरदार को निभाते निभाते दो डुअल किरदार को हम इतने रोल इसलिए कर पाते हैं, विच आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड,
क्योंकि हम एक्चुअल में रियलाइज करते कि लोगों की जिंदगी क्या है। आप समझ रहे हो, आज के जमाने में लोग पछताते हैं कि यार काश मैं एक्टर बन जाता, काश मैं एक्ट्रेस बन जाती, लेकिन ट्रस्ट में ये जो किरदार निभाने का काम है ना, ये आसान नहीं है। एक एक्टर और एक्ट्रेस जितने डिप्रेशन में जाते हैं ना, उतने आम आदमी कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए ना हर सेकेंड कॉम्पिटिशन है। हमें वो फेम, हमें वो सक्सेस, वो लाइमलाइट, उसको एक लेवल पे रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री किसी की नहीं है। आपके रियल लाइफ में तो आपके दोस्त भले ही अपने खुद के हैं, जैसे आपके बचपन के दोस्त हुए, कॉलेज के दोस्त हुए, काम के दोस्त, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में कोई किसी का दोस्त नहीं है। लेकिन अगर मैं आपकी परिचय की बात करूं, हाँ। जिस तरीके से मैंने खुद जिक्र किया कि आज मैं पहली दफा मिल रहा हूं, व्यूअर्स भी आपसे पहली दफा मिल रहे हैं, एक महिला के तौर पे किस तरह की प्रिंसिपल है आपकी अपने पर्सनल लाइफ में, एक एक्ट्रेस के तौर पे आपने खुद अभी जिक्र किया, एक सामान्य तौर पे अगर मैं एक्ट्रेस हटा दूं तो कैसी महिला भारत की जमीन पे रहसिया खुद को देखती है? एक्ट्रेस हटा दो तो कैसी महिला, मैं ऐसी महिला देखती हूँ जिसको दुनिया में एक चेंज लाना है, समझ रहे, एक चेंज जरूरी है। ये इंडिया इतना हिपोक्रेट कंट्री है ना, कि यहाँ पर अगर यहाँ पर बहुत सारे क्लॉजेज और नॉर्म्स है कि लड़कियों को ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए, लड़कियों को जोर जोर से हंसना नहीं चाहिए, लड़कियों को छोटे कपड़े पहनने नहीं चाहिए, लड़कियों को रात में घूमना नहीं चाहिए। तो ये सब क्लॉजेस जो है वो लड़कों पे नहीं लगाए जाते, ये सिर्फ लड़कियों पे लगाए जाते। तो क्या मैं ये समझ, मैं तो बिंदास बात करती हूँ, आई एम लाउड, आई लाफ, क्योंकि यार ये मेरी लाइफ है। तो क्या मैं ये समझ लूँ कि आपकी जो अंतर आत्मा है, जो अंदर की चीजें हैं, वो वाकई मतलब यहाँ की सिचुएशन से बहुत परेशान है? हाँ, आई थिंक सो, हर औरत हर लड़की सिचुएशन से परेशान है, क्योंकि एक औरत होके ही एक औरत अपने बेटे को ये नहीं कहती है कि तुझे तेरी नजर झुका लेनी चाहिए, ना कि उसे एक गंदे नजरिए से देखनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक औरत ही अपनी ही बच्चियों को बोलती है कि रात को छोटे कपड़े पहन के घुमा नहीं करो, मेकअप लगाया मत करो, ऊंची आवाज में बात किया मत करो, देयर आर सो मेनी क्लॉजेस। आप समझ रहे हो, मतलब जी आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो, अगर एक नारी खुद की नारी को सपोर्ट करेगी तो वुमेन एम्पावरमेंट होगा। तो मर्दों के हिसाब से या पुरुषों के हिसाब से एक कॉम्पिटिशन नहीं है, कॉम्पिटिशन कभी पुरुष और औरत में हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये दो अलग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है, समझ रहे होगा। लेकिन एक औरत ही औरत को अगर समझने लग जाए तो अलग बात है। जैसे मैं एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल दूंगी, एक औरत होती है, जब वो बहू रहती है वो बोलती है जब मैं सास बनूंगी ना तो मैं मेरी सास की तरह बिहेव नहीं करूंगी, लेकिन जैसे ही वो सास बन जाती है ना तो वो वही करती है जो उसकी सास ने उसके साथ किया। एक औरत ऑफिस जाती है, काम करती है, उसका हस्बैंड भी ऑफिस जाता है, काम करता है, लेकिन ऐसा क्यों है कि ऑफिस से आने के बाद औरत को ही खाना बनाना पड़ता है और औरत को ही बर्तन धोने पड़ते? क्यों? औरत नहीं कमा कर ला रही है। जब आप अगर वुमेन इक्वालिटी की बात करते हो, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो, तो जितना काम वुमेन करती है उतना काम पुरुष को भी करना चाहिए, उनको भी हाथ देना चाहिए ना, क्योंकि वो भी तो कमा कर घर पे ला रही है, वो भी तो रेंट दे रही है। प्रैक्टिकली आजकल ना, आज के जमाने में हर फैमिली को ना एक वर्किंग वुमन चाहिए। इन अ वे वो दहेज ही है, बट इन एन इंटरेस्ट फॉर्म, लेट मी टेल यू दिस। पुराने जमाने में दहेज बल्क में लिया जाता था, लेकिन आप वर्किंग वुमन मतलब आपको सैलरी एम्प्लॉयड लड़की चाहिए जो हर महीने घर पे पैसे दे, तो इट इज बैलेंस। तो आप मुझे बताओ कि अब जो मैंने आपको बोला उसके बाद आपको नहीं लगता कि मेरे अंदर, छोड़ो हर औरत के अंदर ये होगा कि एक्चुअल में इक्वालिटी है, आपको लगता है एक्चुअल में वुमन एम्पावरमेंट है? बिल्कुल, एग्जैक्टली, क्योंकि अगर एक जो आपके सास ने आपके साथ किया वो आप क्यों अपने बहू के साथ करना चाहते हो, है ना? आप अगर आपके अगर औरत खुद भी कमा के आपके घर पे पैसे ला रही है और अगर वो खाना बना रही है तो आपका बेटा क्यों नहीं बर्तन धो सकता? कमा के तो दोनों ही ला रहे ना। तो आई डोंट थिंक सो के देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, इट्स अ नेवर एंडिंग टॉपिक, ट्रस्ट।
रसिया मैम एक सवाल यहाँ पे उठेगा, जिस तरीके से अभी आज जो है हम लोग 9 मार्च को आई नो, इसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स आने वाले, खास करके सारे सास लोग मुझे बोलने वाले हालांकि ये भी पॉइंट्स जो है बताया हमने कि दरअसल हमें आगे किस रूप में जाना है। सच है लेट्स एक्सेप्ट इट, ये सच है। मैम जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जैसे दिवस को अपने सामने देखती है, एक समारोह के तौर पे देखती है, क्या दिख रहा है स्थिति भारत की? मुझे सिर्फ इतना पता है कि इंटरनेशनली अंग्रेज लोग इंडियन कल्चर को अडेप्ट कर रहे और इंडियन लोग अंग्रेजी कल्चर को अडेप्ट करने में लग गए। आप समझ रहे हो, आजकल के बॉलीवुड फिल्म्स में अगर आप देखते हो तो बिकनी किसिंग स्मूचिंग आम बात होती है, लेकिन समय डाउन द लाइन इंडिया, अगर आप वेस्टर्न कल्चर की बात करते हो तो वेस्टर्न कल्चर में बचपन से ही उनको बिकनी पहनाए जाते हैं, वो बॉक्सेस में घूमते हैं, तो उनके वो सोच विचार नहीं है। लेकिन इंडिया में इतने सारे रिमोट एरिया गांव खेड़े हैं यहाँ पर, जहां पर तुम उस गांव खेड़ों में पिकनिक पहन के तो नहीं जा सकते, तो इसकी वजह से रेप केसेस ज्यादा हो रहे हैं। आप समझ रहे हो, क्योंकि एक इंडिया का ना एक फॉर्मेट है, एक सिस्टम है, जहां पर एक कल्चर और ट्रेडिशन के हिसाब से एक नॉर्म्स है, जो मेरे हिसाब से इंडिया नीड्स टू ग्रो एंड गो बियॉन्ड, जैसे आप बोलते हो बियॉन्ड थॉट्स, इट इज यू हैव टू गो बियॉन्ड थॉट्स। आपको अपनी सोच लागनी है और समझना है कि अब जिस दिन ये चीजें, अगर वेस्टर्न कल्चर को अपनाना ही है, पहले वेस्टर्न ह्यूमंस तो बन जाओ, तो फिर रेप केसेस नहीं होंगे। आप समझ रहे हो, लेकिन वेस्टर्न कल्चर में इंटरनेशनल डे जो वो मनाते हैं, उनके लिए हर दिन इट्स अ वुमेन डे, क्योंकि वहां पर वुमेन्स को ये रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। जैसे आज भी गांव खेड़ों में पल्लू ढक के रखने वाला सिस्टम चालू है, आप पल्लू उठाकर नहीं जा सकते अपने इन लॉज के सामने, ये सब भी चालू है। आज भी 18 साल 16 साल या जब उनको पीरियड्स हो जाते हैं या गौना बोलते हो जो भी है, जब वो होता है तो रोका किया जाता है, लड़की की शादी तय की जाती है, तो ये जो सालों से चलते आ रहा सिस्टम वो तो खत्म नहीं होने वाला। तो आई फील दैट कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर के हिसाब से अगर आप वुमेन्स डे की बात करो तो मेरे हिसाब से एवरी डे शुड बी अ वुमेन डे, क्योंकि हर दिन हर औरत कहीं ना कहीं जगह पे एक लड़ाई लड़ रही है अपने आप से, अपने परिवार से, अपने लोगों से, समाज से। तो एक दिन स्पेसिफिकली ऐसे मनाना मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आता। हर दिन मनाया जाना चाहिए। इंडिया और इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर में पहली बात तो जमीन आसमान का फर्क है, और इंडियन कल्चर की खूबसूरती उसमें अपने आप में है, वेस्टर्न कल्चर की खूबसूरती उसकी अपने आप में है, वो दो चीजों को एक साथ समाया ही नहीं जा सकता, पहली बात तो। सेकेंडली वुमेन को इंसल्ट करना तो बहुत दूर की बात है, जैसे मैंने आपको बोला एक पुरुष का नारी को सम्मान करना ठीक है, लेकिन एक नारी का नारी को सम्मान करना बहुत जरूरी है, एक नारी का नारी को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, एक वो जो डोमिनेशन फैक्टर जो सास करती है अपने बहू पे वो हटना बहुत जरूरी है ताकि वो इक्वल हो जाए। आप समझ लो, जिस दिन एक नारी होकर आप अपने बेटे को समझाओगे कि आपका रोना, आप अगर रोते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि अरे तुम क्या औरतों जैसे रो रहे हो, ये टर्म यूज करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि रोना तो आम बात है। फिर दूसरी बात ये बोलना लड़कियों को कि लेट नाइट घर से निकलना नहीं चाहिए, छोटे कपड़े नहीं, आप अपने बेटे के आपके बेटों के सोच विचार को बदलिए ना कि एक लड़की के फ्रीडम को आप छीन लो, आप अपने बेटे के सोच विचार को थोड़ा बदलो, वो आप अपने बच्चों को आप सिखाओ कि जरूरी नहीं है कि लड़की होगी तो लड़की घर के काम करने चाहिए, लड़कों को भी काम करना चाहिए। जब लड़के हॉस्टल्स में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए या ये स्कूल्स में जाते हैं पंचगनी दार्जिलिंग है ना, क्या वो लोग वहां पर बोर्डिंग में काम नहीं करते? ऑफकोर्स दे दू, उनको खुद का बेड बनाना पड़ता है, उनको खाना लेना पड़ता है, उनके बर्तन धोने, तो करते हैं हॉस्टल्स में बोर्डिंग में, तो फिर क्यों शादी के बाद आप एक्सपेक्ट करते हो कि सिर्फ लड़कियों को ही करना चाहिए, वो लड़कियों का ही काम है? नहीं, मेरे हिसाब से दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। तो वुमेन को
पावरफुल, ऑफकोर्स वुमेन इज पावरफुल, वुमेन इज स्ट्रॉन्ग, वुमेन इज ब्यूटिफुल इन एवरी एस्पेक्ट इन लाइफ. हर औरत अपने अपने इसमें बहुत खूबसूरत है. कोई अपने खूबसूरती से खूबसूरत है, कोई अपने ताकत से खूबसूरत है, कोई अपने सीरत से खूबसूरत है, कोई अपने बिहेवियर से खूबसूरत है, नेचर से खूबसूरत है, तो टैलेंट से खूबसूरत है. तो हर कोई इंसान खूबसूरत है मेरे हिसाब से, लेकिन क्या हम उस खूबसूरती को निहारते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट. जिस दिन एक नारी दूसरी नारी की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देगी और उसको आगे बढ़ावा देगी, उसको मान सम्मान देगी ना, तब हम कह सकते हैं, तब मैं शायद कह सकूं कि वुमेन एम्पावरमेंट है, वुमेन फ्रीडम है और एक नारी दूसरी नारी को समझ रही है. ऑलराइट मैम, हालांकि ये तो एक थॉट प्रोसेस थी जिसके अभी हमने बात किया. जब आप एक एक्ट्रेस के तौर पे इस वक्त तमाम प्रोजेक्ट्स जब कर रही है, मैं आपसे जानना चाहूंगा खास तौर पे जो शो है, जो शो का कॉन्सेप्ट है, अब तक की करियर में अगर महिलाओं के किसी किरदार का मैं जिक्र करूं जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल आपकी रही है, जो सोसाइटी को एक नए रास्ता पे ले जाती है, कौन सी रोल इस वक्त याद आ रही है, कौन सी वो फिल्में हैं, कौन सी वो वेब सीरीज है जिसमें आपकी कुछ मतलब इतनी जबरदस्त कंटेंट मिली, स्क्रिप्ट मिली जिसने वाकई समाज को बदल दिया, या फिर ऐसी कोई स्क्रिप्ट आज तक मिली ही नहीं? मैंने मेरे करियर की शुरुआत तो मैंने थिएटर से की थी, नाइन हाउसेस. इट वॉज एन इंग्लिश मोनोलॉग एंड वो मैंने की थी गैरी रिचर्डसन और एलेक पेटरसन के साथ. एलेक इज लेजेंड, सॉरी, एंड नाउ ही इज नो मोर. तो मेरी पहली फिल्म तो मुझे डेफिनेटली मेरे दोस्त के वजह से मिली, क्योंकि उसके डैडी प्रोड्यूसर थे. तब मुझे एक्ट्रेस बनने का जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, जस्ट लाइक 16-17 ईयर ओल्ड. तो जर्नी बॉम्बे टू गोवा फुल ऑफ कॉमेडियंस, वो मेरी पहली लाइफ की फिल्म थी. आई हैव ऑलवेज गॉन विद द फ्लो, मुझे जो आया नसीब के हिसाब से मैंने लिया हुआ है. तो इन दैट केस आई एम रियली ब्लेस्ड बाय गॉड्स ग्रेस. किरदार मेरे हिसाब से एक्टिंग में मेरे फिल्मों के हिसाब से किरदार को निभाने वाला एक चैलेंजिंग रोल के रैदर आई वुड से कि मैं डेली लाइफ में जो हम चैलेंजेस फेस करते हैं डेली लाइफ में, हर इंसान रोज एक्टिंग करता है. ट्रस्ट मी, एवरी पर्सन इज एक्टिंग एवरी डे. अभी जैसे मैंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए, इंडियन कैंसर सोसाइटी के लिए एक म्यूजिक वीडियो किया है, जिसका अमित त्रिवेदी ने गाना गाया है. उसमें मैं रियल कैंसर बच्चे की माँ बनी, वो मेरे लिए बहुत टचिंग था. क्योंकि जब मैंने उस बच्चे को देखा जिसका घुटने तक ही पैर है और नीचे उसको आर्टिफिशियल लेग लगाया, लेकिन जो घुटना है ना, वो घुटने पे उसके पैर का जो तलवा है वो अटैच किया हुआ है. आप समझ सकते हो उसके पंजे दिख रहे हैं घुटनों के यहां से. तो जब मैंने वो देखा और जब वो इतने दर्द, वो पहन रहा था, भले उसको दर्द नहीं हो रहा था लेकिन मुझे बड़ा दर्द हो रहा था. आई क्राइड, मतलब मुझे ना सच में रोना आया. तो इट वॉज अ वेरी टची मोमेंट फॉर मी, क्योंकि मुझे बच्चों से बड़ा लगा है. हालांकि मेरा तो कोई बच्चा है नहीं, लेकिन मेरे बाय गॉड्स ग्रेस बहुत सारे बच्चे हैं. बिकॉज आई बाय मायसेल्फ आई डू अ लॉट फॉर किड्स, तो मेरे लिए इट वॉज वेरी टचिंग मोमेंट. तो मैंने एक माँ का किरदार प्ले किया था. फिर मैंने अभी हाल ही में वेब सीरीज की है एस्केप, जो हॉटस्टार पर आने वाली है, रिलीज होने वाली है. उसमें मैंने वापस मदर का ही किरदार किया हुआ है, जहां पर मैं आई एम अ मदर टू सन हु इज नॉट मेंटली स्टेबल, चैलेंजिंग. मैं अभी तक रिलीज होने के पहले मैं कैरेक्टर ब्रीफ नहीं दे सकती हूँ, लेकिन इट वॉज अगेन टचिंग फॉर मी. तो मेरे लिए वेन एवर इट इज कम एज अ जर्नी, जहां पर मुझे लगता है एक माँ से बढ़ के चैलेंजिंग लाइफ में कोई जॉब ही नहीं है. ट्रस्ट मी, ना एक्ट्रेस का जॉब है, ना आपका कॉर्पोरेट का जॉब है, ना पॉलिटिकल जॉब है. एक हाउसवाइफ बनना इज अ मोस्ट चैलेंजिंग जॉब मेरे हिसाब से. इट्स अ हैट्स ऑफ टू ऑल द हाउसवाइफ. ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यार हाउसवाइफ मतलब हाउसवाइफ तो कमाती थोड़ी ना है. मोस्ट ऑफ द मैन वो हाउसवाइफ को ग्रांटेड लेते हैं, बोलते यार तुम कौन सा बड़ा काम करती हो. भैया वो आपके कामवाली बाई के पैसे बचाती है पहली बात. तो हाउसवाइफ वो जो आपके दिल से खाना बनाती है ना, वो आपकी कामवाली बाई करके नहीं देगी. वो महीनों में बीमार रहने के बाद भी तुम्हारे लिए खाना बनाएगी, घर साफ करेगी, जो कि एक कामवाली बाई तुम्हारे लिए नहीं करेगी. तो ये बोलना बड़ा आसान है कि कामवाली बाई कैन रिप्लेस हाउसवाइफ, लेकिन इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल.
आखिर में दो सवाल में एक सवाल ये होगा मेरा कि जिस तरीके से एक एक्ट्रेस के तौर पर इस वक्त इंडस्ट्री में आप तमाम लोगों से मिलते हैं, वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, या फिर जो क्रिएटिव लोग हैं जो अपनी ब्रॉड माइंडेड के साथ प्रोडक्शन को करने की कोशिश करते हैं, आप कितना खुद को खुश मानती हैं जब इन तमाम लोगों की स्थिति को देखती हैं, चाहे उनका वर्किंग स्टाइल हो, स्क्रिप्टिंग हो, या फिर कंटेंट लेने की बात हो, सोसाइटी कहते हैं सिनेमा जो है सोसाइटी का आईना है, इन तमाम स्थिति में जिस तरीके से कार्य इस वक्त किया जा रहा है, खुद को कितना खुश समझती है या फिर वाकई बहुत कुछ बदलने की इस वक्त जरूरत को महसूस कर रही है? मैं ऑनेस्टली मेरी लाइफ में खुश हूँ। मेरे हिसाब से इंसान को हर दिन खुश होना चाहिए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर दिन खुश होना चाहिए। मैं इसलिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा हर दिन इसलिए करती हूँ क्योंकि जैसे भी हूँ, जिस भी हालत में हूँ, कम से कम ऊपर वाले ने मुझे छत दी है, दो वक्त का खाना दिया है। जब भी मैं आज भी कई बार ट्रेन में सफर करती हूँ, मेरा मन करता है तो मैं आज भी कई बार बस से ट्रैवल करती हूँ, मैं आज भी बच्चों को चॉकलेट्स देती हूँ या स्टेशनरीज देती हूँ क्योंकि मुझे मुझे ऊपर वाले की दया से बचपन से सब कुछ मिला है। लेकिन जब मैं उन्हें देखती हूँ ना तो उनके पास नहीं है तो जरूरी नहीं होता कि आप पैसों से लोगों की मदद करें। आप समझ रहे हो, आप एक एक्ट ऑफ काइंडनेस की तरह भी लोगों की मदद कर रहे हो ना, बहुत बड़ी बात होती है। एक इंसान के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना बहुत बड़ी बात होती है जो कि दौलत आपको नहीं दिला सकता। दौलत से आप जिंदगी में आप घर खरीद सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो, ऐशो आराम खरीद सकते हो, लेकिन आप प्यार नहीं खरीद पाओगे अपनी लाइफ में, वो एक खुशी एक मुस्कुराहट नहीं। आपकी सवाल जिस तरीके से मैंने पूछा कि जो फिल्मों में इस वक्त काम चल रहा है, जिस तरीके से काम चल रहा है, चाहे वो स्क्रिप्टिंग का काम हो, प्रोडक्शन का काम हो, या थॉट प्रोसेस में डायरेक्टर लोग लेकर आ रहे हैं, एक एक्ट्रेस, एक महिला एक्ट्रेस के तौर पर, एक अभिनेत्री के तौर पर, आप कैसी चीजों को देख रही है, क्या वो ठीक चल रहा है, उसमें कुछ बदलाव लाने की जरूरत है? नहीं, क्रिएटिव एस्पेक्ट में तो आई टू थिंक एवरीबॉडी इज डूइंग देयर ओन ब्यूटीफुल। मेरे हिसाब से जिन जिन लोगों का जो जो कर्तव्य होता है, चाहे वो एक डायरेक्टर का किरदार हो या एक प्रोड्यूसर का किरदार हो या फिर एक कास्टिंग डायरेक्टर का किरदार हो, वो बड़ी बाखूबी से निभा रहे हैं। लेकिन हाँ, देर आर चेंजेस विच आई रियली फील इज रिक्वायर्ड, जहाँ पर आई फील के ये साइज जीरो का कॉन्सेप्ट कट हो जाना चाहिए पहली बात तो, क्योंकि खूबसूरती के चक्कर में और ये साइज जीरो और साइज फोर के कॉन्सेप्ट में कितने सारे यंग जनरेशन बच्चे, क्योंकि वो फिल्म्स देख रहे हैं, वो सीरीज देख रहे हैं, कितने यंग बच्चे 15 साल की उम्र से डाइटिंग चालू कर दिए। आप समझ रहे हो, कितने लोगों को इलनेस हो रही है, कितने लोग वेट कॉन्शियस हो रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जहां पर स्लिम गर्ल का कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा बंद हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर थोड़ी वैसे तो इंडस्ट्री में प्रोफेशनलिज्म कई कई जगह पे है, कई कई जगह पे नहीं है, लेकिन उसको तो आप रोक नहीं सकते क्योंकि वो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, वो तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी है, वो पॉलिटिकल वर्ल्ड में भी है। मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि नेपोटिज्म फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होना चाहिए, बिकॉज मुझे पता है कि फिल्म इंडस्ट्री से ज्यादा नेपोटिज्म तो कॉर्पोरेट फील्ड में है, पॉलिटिकल फील्ड में है। नेता का बेटा एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिशियन ही बनेगा, बिल्डर का बेटा एट द एंड ऑफ द डे बिल्डर ही बनेगा, आर्किटेक्ट का बेटा आर्किटेक्ट ही बनने वाला है, या आर्किटेक्ट की बेटी आर्किटेक्ट ही बनने वाली है, या आप अगर कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी अगर आप ले लो तो एक प्रिंसिपल का बच्चा टीचर आराम से बन सकता है। आप समझ रहे हो, एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर आराम से बन सकता है। तो ये पीढ़ी को चलाने की बात है ना, ये कॉर्पोरेट में ज्यादा होती है, ना कि फिल्म इंडस्ट्री की। अफसोस वाली बात ये है कि हम खुली किताब है, तो नेपोटिज्म फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं है, नेपोटिज्म कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, नेपोटिज्म पॉलिटिकल वर्ल्ड में है, नेपोटिज्म हर एक फील्ड में नेपोटिज्म। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में ये लेना चाहता हूँ कि इन तमाम स्थिति के बीच अब आ जाते हैं जिस दर्द को लेकर आप महिलाओं के संदर्भ में कई बातें कही, क्या लग रहा है जब हम समाज के आईना खुद को कहते हैं तो क्या फिल्में भी कम बन रही है महिलाओं के मुद्दे पे? क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे वो तमाम डायरेक्टर्स जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, क्या उन्हें सोसाइटी के कई ऐसे एस्पेक्ट्स पे काम करने की जरूरत है जिस एस्पेक्ट का जो संदर्भ है वो सीधा महिलाओं से संबंधित है, इसमें फिल्में बनाने की जरूरत है? मेरे हिसाब से आजकल तो महिला ओरिएंटेड फिल्म ज्यादा बन रही है, जैसे तापसी पन्नू की फिल्म आई हुई है, इट्स अबाउट रनिंग गर्ल हुज इनटू रनिंग, फिर मैरी कॉम आई थी, फिर कौन सी आई थी और एक
पिंक कभी हम जिक्र कर सकते। नहीं, ऑफकोर्स पिंक भी आई थी, फिर उसके बाद ये अपना किरण बेदी पे एक फिल्म बनी हुई थी, वो साउथ इंडियन फिल्म थी, हिंदी फिल्म मुझे याद नहीं है। फिर दिल्ली सिक्स है, क्राइम बेस्ड जो सीरीज आई हुई है, फिर घाउल है, राधिका आप्टे है उसमें। तो मेरे हिसाब से नाउडेज जो फिल्म्स बन रही है वो बहुत ही फीमेल ओरिएंटेड है। जैसे मेरी सबसे फेवरेट फीमेल ओरिएंटेड फिल्म थी शक्ति, जहाँ पे करिश्मा कपूर हैज डन फैबुलस जॉब। तो अब तो जनरेशन चेंज हो रहा है, अब तो ज्यादातर फिल्में फीमेल ओरिएंटेड हो रही है देन दैट ऑफ मेल ओरिएंटेड। लेकिन मैं ऑनेस्टली ना मेल फीमेल में मैं कोई डिस्टिंग्विश नहीं करना चाहती। लेकिन सवाल है कि दर्द आप बयां कर रही है, आपसे मैंने जब तीन शब्द कहा तो आपकी जो भड़ास निकल रही है मुझे लगा कि मतलब ये सामान्य कोई नहीं बोल सकती है, ये दर्द दो साल, ढाई साल, तीन साल से दबी हुई है अचानक, मतलब तमाम स्थिति का जिक्र अपने आप कई संकेत देते हैं। मैम इतना बातचीत किए, थैंक यू सो मच। आई थिंक की जया जी भी काफी देर से इंतजार कर रही है, कुछ सवाल बहुत बहुत शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। कैसे हो मैम? जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ। मैम मेरी कुछ सवाल है जानना आपसे, मुझे बाकी आपने मैंने देखा बहुत अच्छा लगा, मुझे सारे आपके जाओ मैं चाहती हूँ कुछ सवाल। जैसे मुझे सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आपको आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका मिला, आपकी लाइफ में कौन था सबसे सपोर्टिव, हर किसी को सपोर्ट अगर कोई करता है लाइफ में तो उसकी माँ होती है, और माँ से बढ़कर कोई सपोर्ट ही नहीं होता। लेकिन माँ बाप भी कुछ अक्सर आपको सपोर्ट करेंगे, उसके बाद तो आपको अपनी जिंदगी चलानी है। लेकिन सबसे बड़ा सपोर्ट तो मुझे ऊपर वाले ने दिया है, क्योंकि उसकी रहमत से आई एम हियर राइट नाउ। और जैसे मैंने आपके फ्रेंड को भी बोला था कि एवरी डे आई एम ग्रेटफुल, मैं ऊपर वाले का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे हिसाब से आपके हर जिंदगी के चढ़ाव में, चाहे आपके बचपन में लेके आपके टीनेजर तक, आपके माँ बाप आपका बड़ा साथ देते हैं, आपके भाई बहन आपका साथ देते हैं, फिर आपके दोस्त आपका साथ देते हैं, फिर आपके सखी, आपके मित्र, आपके मंगेतर से लेके हर कोई एक साथ देता है। और एक सर्टन टाइम तक सबका एक टाइम लिमिट लिखा हुआ रहता है, उसके बाद आप, मैं, मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं हम इंसान, हम हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट है। आप क्या मानते हो कि आज की जो डेट में है, क्या लड़के और लड़कियां क्या कंधा मिला के चल सकते हैं, या फिर उनकी वैल्यू जो है आज की नजर में बाकी को देखा जाए तो वो आज भी कहना चाहते हैं कि लड़कियां वो नहीं कर सकती जो लड़के करते हैं, या फिर जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां नहीं करती। तो आप क्या सोचते हैं, क्या लड़कियां लड़के दोनों बराबर इक्वल है, या आपकी नजर में भी कुछ डिफरेंस है उन दोनों? पहली बात तो मुझे यही समझ में नहीं आता, व्हाई आर वी डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल, मतलब लड़के और लड़की के बीच में कंपैरिजन ही क्यों हो रहा है। पहली बात, ऊपर वाले ने लड़के को बड़ा अलग तरीके से बनाया और लड़कियों को बड़ा ही अलग तरीके से बनाया। अभी जैसे लड़कियां बच्चे पैदा कर सकते हैं तो लड़के तो नहीं कर सकते, करेक्ट, लेकिन लड़कों का जरूरत तो पड़ता ही है बच्चे पैदा करने के लिए। तो कंपैरिजन पहली बात तो क्यों हो रहा है यहाँ पर। मेरे हिसाब से ये जो कंपैरिजन का टर्म यूज करते हैं कि लड़के वो कर सकते हैं जो लड़कियां नहीं कर सकती और लड़की वो कर सकते हैं जो लड़का नहीं, आई थिंक सो आज के जेनरेशन में हर कोई हर चीज कर सकता है सिवाय बच्चे पैदा करने के और वुमेन प्रॉब्लम होने का वजह से। आई मीन आई एम ओके विथ इफ यू फील ऑकवर्ड, लेकिन मेरे लिए आई थिंक सो पीरियड्स होना बड़ी आम बात है, उसके लिए इतना बड़ा सीरियस मुद्दा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपके मित्र को बोला था कि अफसोस की बात इंडिया की, भारत की है कि यहाँ पर कॉन्डम खुलेआम बिकता है लेकिन यहाँ पर विस्पर के पैड्स न्यूज़पेपर में बंधे हुए मिलते हैं, आप समझ रहे हो। तो उसी से आप समझ लो ना कि लड़के और लड़कियों में अंतर कितना डाला गया है भारत में। तो मेरे हिसाब से तो पहली बात तो कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लड़कियों का अपना एक ओहदा है, लड़कों का अपना एक ओहदा है, तो वो कंपेयर ही नहीं कर सकते। आप शिव और पार्वती को कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि आज की नजर में गांव वगैरह सब जगह, आप क्या ये सोचते कि शहर जितना आप रहते हो यहाँ, आप ये फॉरवर्ड लग रहा है यहाँ के, आज भी बहुत 70% फॉरवर्ड्स है बट फ्रॉम माइंड हो सकते नहीं भी हो, आपको कितने परसेंट ऐसे लगते हैं कि लोग यहाँ फॉरवर्ड हो चुके हैं, यहाँ हो चाहे राजस्थान गाँव हो या कहीं पे भी हो, बंगाल, वेस्ट बंगाल, इम्फाल, कहीं पे भी, आपको क्या लगता है कि लोग कितने परसेंट फॉरवर्ड हुए और कितने आज भी बैकवर्ड है?
बोलने के लिए पहनावे से फॉरवर्ड हो चुके हैं, जैसे इंडियन कल्चर पहनावे से अभी वेस्टर्न कल्चर को अडेप्ट कर रहा है, तो अभी लड़कियां शॉर्ट्स में घूमती है, तो हमने कपड़े का पहनावा किया है, आप समझ रहे हो। लेकिन अगर आप फॉरवर्ड की बात करते हो, आप अपने आप से पूछिए, आपको सच में लगता है इंडिया फॉरवर्ड हुआ है? तभी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कितने परसेंट मतलब है जो फॉरवर्ड हुए। आपको क्या लगता है कि मोस्टली लोग जो है बोलते हैं हम फॉरवर्ड हैं अपने माइंड में, बहुत से फैमिलीज है जो कहती है हम बहुत फॉरवर्ड हैं, बट क्या मेंटली भी कहते हैं आपको? एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल बोलूंगी फॉरवर्ड का। भले दुनिया में स्पेशली इंडिया में जब ये टर्म यूज करते हैं ना कि हम बड़े फॉरवर्ड हो गए, अफसोस की बात है ये इतने फॉरवर्ड हो गए कि एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। लड़कों को ना बड़ी ओपन माइंडेड लड़कियां चाहिए होती है, पार्टी करने के लिए लड़कियां चाहिए होती है, लेकिन शादी करने के बाद उनको उन लड़कियों से काम करवाना ही होता है, मतलब उनसे खाना बनवाना ही होता है, उनसे घर के काम करवाने ही होते हैं। तो आप मुझे बताइए क्या इंडिया फॉरवर्ड हुआ है? मतलब पार्टी वार्टी करने तक अगर आप इतने फॉरवर्ड हुए हो, तो जितने काम लड़कियां कर रही है आप भी उतने ही काम करो ना, आप अपने बीवी को हेल्प करो। मतलब लड़की कितनी भी ओपन माइंडेड हो, कितनी भी आउट गोइंग पार्टिंग वार्टिंग हो, एट द एंड ऑफ द डे लड़के को एक घरेलू लड़की ही चाहिए, और ये बात से आप इनकार नहीं कर सकती। नो मैटर कितना भी दुनिया में लोग बोले ना, इंडिया में, इंडिया इज अ हिपोक्रिट कंट्री एंड आई एम सॉरी दैट्स द ट्रूथ। कितना भी बोले ना कि हाँ इंडिया बहुत आगे चल चुका है, देश बड़ा आगे हो चुका है, कितना भी आगे हो जाए, एट द एंड ऑफ द डे ना लड़का कितना भी ओपन माइंडेड रहे, लड़की की माँ कितना भी बोले कि हम बड़े ओपन माइंडेड हो गए, लेकिन शादी के बाद उसको बहू तो घरेलू चाहिए। मतलब लड़की को तो मुंह दिखाएगा खाना बनाना ही आना चाहिए, मतलब लड़कियों को खाना सीखना ही है बनाना। करेक्ट। तो आप मुझे जवाब दीजिए, आपको लगता है इंडिया फॉरवर्ड हो गया? अगर मैं इंडिया का पूरा नक्शा लगा दू तो गांव खेड़ों में तो कुछ भी फॉरवर्ड नहीं। आप मुंबई की बात कर रहे हो, मुंबई में चाहे कितने भी लोग बोल दे कि हम फॉरवर्ड हो चुके, ट्रस्ट में मेरे खुद के दोस्तों को मैंने देखा है, लड़के उसका पार्टी वार्टी करेंगे लेकिन बोलते हैं बहू तो हमको हाउस वाइफ ही चाहिए। उनके मम्मीज भी हम बड़े फॉरवर्ड है, हम किट्टी पार्टी करते हैं ना ये ना हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे घर में उनको एक हाउस वाइफ ही चाहिए। आपका कहने का मतलब मैं तो ऑनेस्टली फॉरवर्ड टर्म ही निकालो, सीरियसली, क्योंकि अगर आप गौर से देखने जाओगे ना, इट्स नेवर एंडिंग डिबेट, और मुझे वो टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आती कि फॉरवर्ड हो चुके हैं। तो मैम एक और आपको बताएंगी, जैसे आपने भी जस्ट थोड़ी देर पहले कहा कि आज जो डिवोर्सर को अलग नजर से देखते हैं, जो डिवोर्स होते हैं उनको अलग नजर, मैरिज से भी बॉयफ्रेंड से सबके अलग अलग नजर होते हैं, जिनके ऐसे एसिडिक्स हो, जो रैप होते हैं उनके सबको अलग अलग नजर से देखते हैं। आपको क्या लगता है कि जो ये जो डिवोर्सर्स को जिस नजर से देखते हैं जो रैपर्स को, क्या उनकी वो नजरिया सही है, क्या उनको चेंज नहीं होना चाहिए? मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल दूंगी जो आप इनकार ही नहीं कर पाओगे। ओके, एक लड़का जब चार लड़कियों के साथ घूमता है ना रस्ते पर, तो उसको स्टड बोला जाता है। क्या बात है, ये लड़का चार लड़कियों के साथ घूम रहा है, सही है यार, उसको चार लड़कियां मिल गई, देख यार इसके साथ, देख क्या चार लड़कियों के साथ। एक लड़की जब चार लड़कों के साथ चल भी रही है, भले उसके भाई हो, लेकिन इंसान की सोच स्लट है यार ये। You know, one guy, four girl is a stud in India. One girl with four guys is a slut in India. आप समझ रहे हो? तो ये सोच तो मुझे नहीं लगता कहीं चेंज हुआ है। तो एक लड़की जब चार लड़कों के साथ अगर घूम भी रही है या टॉमबॉय भी है, छिचोड़ी है, कितनी फालतू है, अरे यार इसकी तो उसने ली होगी, बड़ी इजी गोइंग लड़की है, हालांकि ट्रस्ट में वो लड़की वैसी बिल्कुल भी नहीं होगी। टिपिकल वुमेन इन टिपिकल इंडियन मेंटालिटी, लड़कियों को ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए। अच्छा शांत लड़की होगी ना तो मतलब शी इज अ वर्जिन,
और जो लड़कियां बिंदास होगी, बोल 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 बोलने वाली होगी, लड़ाकू होगी, बिंदास होगी, बोल्ड होगी, अरे यार ये बड़ी चालू लड़की, लेकिन ट्रस्ट में हकीकत में उल्टा है, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। लेकिन समाज एक ऐसी चीज है ना, इधर इन्हें जो लड़कियां कम बात करे, हाँ जी करे, भले दुनिया में कुछ भी करके आके आई हो, फिर भी अपने आप को सती साबित दिखाए, समाज को यही अच्छा लगता है। तो आपके नजरिए से अगर एक औरत को संस्कारी होना ही सब कुछ है, या फिर जैसे रहे तो दुनिया की नजर से तो वही सही है, सही है। तो मैं आप जैसे कह रहे हो, तो इसका मतलब तो कि दुनिया वालों को या किसी भी जनता को देखो, किसी को किचन, जो किचन यूज, जो किचन में रहती है वही सबसे अच्छी लड़की है। अरे किचन में रहती है सारा दिन, उसको भी कहाँ छोड़ते हैं यार लोग, ऑनेस्टली। मतलब अगर खूबसूरत बनना भी गुनाह है और बदसूरत होना भी गुनाह है, आप समझ रहे हो, हर देयर आर टू मीनिंग्स टू एवरी सेंटेंस, आप समझ रहे हो, हर पहलू के दो मतलब निकलते हैं, ठीक है, एक अच्छा और एक बुरा, ठीक है, आपके नजरिए आपके सोच के ऊपर है कि आप किस तरीके से इसे लेते हैं, ओके। अरे नहीं, हाउस वाइफ होती है वही सबसे बेस्ट होती है, नहीं, यहाँ पर आपकी नजर से, लोगों की नजर से कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, रहने दो बेकार की बातें, इस तो आप कुछ नहीं कहना। अगर आपको अगर एक मैसेज मतलब कहना हो कि क्या चीज चेंज करना चाहिए, जो नजरिया डिवोर्सर हो, हाउस वाइफ हो, और जो वीडियोस होती हैं और जो रेपिस्ट को जो देखते हैं, उस नजरिए में से अगर आपको कहा जाए एक मैसेज अगर आप उससे डिफाइन करो, मैसेज देने के लिए, तब क्या मैसेज देना चाहोगे उन्हें? मैं कितना भी मैसेज देना चाहूँ ना कि अपनी नजरिए अपनी सोच को बदलिए, पूरी सरकार बोलते बोलते थक गई है यार, फिर भी आप रेप केसेस कम तो नहीं हुई, और भी बढ़ गए। आपने जो कहा रेप केसेस कम नहीं, सही है, तो एक चीज और बताइए, जैसे कि रेप केसेस कम नहीं है बट उसके लिए कुछ पनिशमेंट भी तो नहीं है ना आज की डेट में, एग्जैक्टली कुछ एक्शन भी तो नहीं है, जैसे रेप केसेस हो गए या फिर ऐसे बैठे, कोई कुछ पनिशमेंट ही दे रहे, वो आज वैसे ही घूमते ही करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि उनके लिए कुछ पनिशमेंट होगा? अगर आप होती है तो आप क्या पनिशमेंट देना चाहते हैं? See, India is a democratic country at the end of the day, और यहाँ पर पॉलिटिक्स के बहुत सारे norms, pros and cons है, लेकिन जैसे आप कोई कोई देश में देखोगे, जैसे कतार हुआ, गल्फ हुआ, या ऐसे कोई देश में अगर किसी ने बलात्कार किया तो उसे पत्थर से मारते हैं जब तक वो मर नहीं जाए, खुलेआम रस्ते पर, लेकिन इंडिया में नहीं, ये नहीं हो रहा, आप समझ रहे हो, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे पॉलिटिकल कनेक्ट्स में वो अपने मर्यादा को क्रॉस करके चीजें नहीं कर सकते, क्योंकि उनको सारे एस्पेक्ट्स देखने पड़ते हैं। तो मेरे हिसाब से जो रेप केसेस हो रहे हैं इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम एडुकेशन नहीं दे रहे हैं। अगर आप गांव खेड़ों में सेक्स एजुकेशन देना स्टार्ट करोगे, आप अगर गांव खेड़ों में लोगों के दिमाग और सोच विचार को जरा ओपन करोगे, सेक्स इज नॉट अ बिग थिंग, या आप एडुकेशन दोगे बच्चियों को गांव खेड़ों में कि अगर कोई आपको टच करता है तो उसके सेंसेशन को कैसे समझना चाहिए, अगर ये सब चीजें आप एडुकेशन अगर दोगे ना, विद्या, अगर विद्या आप दोगे सारे गांव खेड़ों में, हर एक इंसान जब एडुकेटेड होगा, नॉट बाय डिग्री और नॉट बाय ग्रेजुएशन, नॉट बाय सर्टिफिकेट, एडुकेटेड मेंटली इमोशनली अबाउट योर ओन बॉडी, अबाउट योर ओन फिजिकलिटी, तो शायद रेप केसेस नहीं हो। मैम अगर ऐसा देखना चाहे तो आज की डेट में बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जो हाई लेवल ही रहते हैं, वो वही केस क्लोज भी हो जाते हैं, तो वो अगर उस टाइम पे वो मेंटली बहुत स्ट्रांग रहते होंगे, बहुत पढ़े लिखे, सब कुछ हाई लेवल रहते हैं, बट फिर भी उनको ये चीज समझ में आती है और केसेस तभी ज्यादा होते हैं। तो मैम आप पनिशमेंट अगर चाहोगे, आपके नजर में क्या पनिशमेंट होनी चाहिए एसिड वाले के लिए? और मेरे हिसाब से तो क्या पनिशमेंट, मेरे हिसाब से अगर कोई एसिड अटैक करता है किसी लड़की पे या किसी पे भी और वो पकड़ा जाता है, तो उसे तो पूरे एसिड में ही मिला देना चाहिए, क्योंकि दैट पर्सन डिजर्व, नो बड़ी किसी को अधिकार ही नहीं दिया है कि आप किसी के साथ इस तरह से व्यवहार करें,
आपको कोई हक नहीं बनता कि आप किसी की खूबसूरती, किसी की जिंदगी उनसे छीन ले। जब आप एसिड अटैक करते हो ना, आप इंसान को अंदर ही अंदर मार देते हो, क्योंकि वो अपनी शक्ल से डरने लग जाता है या लग जाती है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसका शी इज जस्ट टोटली ब्रोकन, शी डजंट नो हर ओन वर्थ। आप समझ रहे हो? तो किसी का हौसला, किसी को हौसला तोड़ देना, किसी को इस तरह बुरी तरीके से तोड़ देने पर आप उसको सिर्फ ये 5 साल 10 साल की सजा, नॉन अवेलेबल सजा, ये सब नहीं होनी चाहिए आपको। तो उसी इंसान के सामने अगर मुझे बोला जाए, तो मैं तो जिसने एसिड अटैक किया, मैं तो चाहूंगी मैं कि उस लड़की को या लड़के को यहाँ पे बिठाओ और उसी के सामने जिसने एसिड अटैक किया उस पर पूरा एसिड डाल के उसको मेल्ट ही करवा दो। और उसी से मेल्ट करवाओ, तुम पर एसिड अगर फेंका है ना, तुम ही उस पर एसिड फेंको। उसे भी बदतर फील होना चाहिए, ताकि उसके एहसास हो जाए कि आईना जिंदगी में कभी किसी और के साथ नहीं करेगा। आप उनको अगर 5 साल की सजा 10 साल की सजा, नॉन अवेलेबल ऑफेंस, या कितने बार तो एसिड अटैक करने के बाद भी लॉयर्स उन्हीं के फेवर में बोलते हैं, क्योंकि पैसे खिलाए जाते हैं, तो ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। तो इससे ऐसी जैसे आपने एसिड के लिए बताया, तो रेपिस्ट के लिए ऐसे क्या सजा होनी चाहिए? मेरे हिसाब से जो इंसान रेप करता है ना लड़कियों का, उस लड़की को सामने बिठाना चाहिए, उसी के सामने उसका काट देना चाहिए। आई मीन इट, उसको नापुंसक कर दो, उसको 3rd degree दे दो। मतलब क्योंकि जो इंसान ये करके इजीली छूट सकता है, या उसको इंस्टेंट डेथ दो यार। जो इंसान रेप करके उसको आप एक सर्टन इम्प्रिजनमेंट देते हो, उसके बाद वो छूट जाता है, तो जब छूट के वो वापस वही हरकत करेगा, और उस टाइम पे वो पकड़ में नहीं आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि उसको पता चल जाएगा उस टाइम पे अभी मुझे कैसे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, इसमें हम जब देखते हैं ना ये सीरीज सारे, हम देखते हैं नए नए आइडियाज। अच्छा ऐसे भी मर्डर हो सकता है, अच्छा ऐसा भी कर सकते, अच्छा हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। दो पहलू है चीजों को देखने, हम साधारण इंडिया से ये भी सीख सकते हैं, या क्राइम पेट्रोल से ये भी सीख सकते हैं, खुद को बचा कैसे सकते हैं, खुद को इन चीजों से कैसे बचा सकते हैं। और हम साधारण इंडिया, क्राइम पेट्रोल या क्राइम वाले सीरीज से ये भी सीख सकते हैं कि हम किसी को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं। यू गेट इट? हर चीजों के दो पहलू है, जैसे हर सिक्के के दो फ्लिप कॉइंस है, हेड एंड टेल्स। तो मेरे हिसाब से तो यार, जिसने भी किसी का बलात्कार किया हो, उसी के हाथ में तलवार दो, उसी को काटने लगो, ताकि वो जिंदगी में कभी किसी और के साथ ना कर। उसे कुत्ते की तरह मारो, पूरे पब्लिक के सामने उसको नंगा करके मारो, ताकि उसको रियलाइज हुए कि उसने किया क्या है। मुझे ना, अब मैं जब जवाब दूंगी ना इसके लिए, मुझे बहुत सारे क्रिटिसिज्म आने वाले। खैर, आई डोंट केयर। आप अगर इंडस्ट्री की बात करती हो, तो इंडस्ट्री रहे या कॉर्पोरेट फील्ड रहे या पॉलिटिकल फील्ड रहे, कोई आपके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करता। नोबडी कैन रेप यू एंड गिव यू वर्क, ठीक है? फिल्म इंडस्ट्री में कोई, आपको भी पता है इंडस्ट्री हमारी खुली है, आपके ऊपर है। आपको अगर कोई बोल रहा है कि ये चीजें करो मेरे साथ तो मैं फिल्म दूंगा, आप मत करो। लेकिन आप अगर ये सोच के करते हो कि हाँ शायद मैं कर लूंगी या शायद मैं कर लूंगा तो मुझे फिल्म मिलेगा, और उसके बाद जब आपको फिल्म नहीं मिलती तब आप बोलो इंडस्ट्री खराब है, ये गलत। तो कोई किसी के साथ, फिल्म इंडस्ट्री रहे, कॉर्पोरेट रहे, कहीं पर भी रहे, जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। आपको पूरा हक है, आप उस इंसान के खिलाफ कंप्लेन लिखा सकते हो, पुलिस स्टेशन जा सकते हो। उसी वक्त जब आप फिल्म इंडस्ट्री में आते हो, आपको तो सब पता ही होता है ना इंडस्ट्री में क्या है। आप ऐसा भी नहीं कि आपको पता ही नहीं इंडस्ट्री में क्या होता है, तो आपके साथ जोर जबरदस्ती गलत होता है, तो फिर आप 1 महीना 2 महीने तक चुप बैठते हो, फिर उसके बाद अचानक से आपको याद आता है। डज दैट मेक सेंस? मेरे हिसाब से एजुकेशन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल ऑफ हियर। आपको इंसान को एजुकेटेड करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अगर बचपन से ही आप ये 3-4 सब्जेक्ट डाल दो स्कूल में ही, खास करके गवर्नमेंट स्कूल में, अलोंग विद प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में तो मैंडेट होना चाहिए। एक सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है, एक थेरेपिस्ट का होना
साइकेट्रिस्ट का होना, हर स्कूल में एक साइकेट्रिस्ट का होना मैंडेट होना चाहिए, क्योंकि एक साइकेट्रिस्ट एक बच्चे को समझ पाएगा जो कि माँ बाप नहीं समझ पाएंगे, और उसके डिस्टर्ब हेल्थ को अगर हम उनको सपोर्ट नहीं कर पाए, बिकॉज हम सारे बच्चे स्कूल में तो एग्जाम्स देते ही है, पढ़ते ही है, तो वैसे देखा जाए तो पढ़ाई रियल लाइफ में आती है क्या? द होल क्वेश्चन इज दैट, जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप नॉलेज गेन कर सकते हो आप थियोरी में पढ़ाई में, वो रियल लाइफ में जो आपको सीख मिलती है वो आपको किताबों से मिलती है क्या? द होल क्वेश्चन इज दैट। तो हैविंग अ साइकेट्रिस्ट, हैविंग अ सेक्स एजुकेशन, योगा, एक्सरसाइज फॉर मेंटल हेल्थ एंड ऑल, अगर ये कुछ गिने चुनी चीजें अगर आप डाल दो तो आई थिंक सो द चांसेस ऑफ डिप्रेशन एंड ऑल विल कम नियर लाइक वेरी लेस। कोई बच्चे या कोई पेरेंट्स कुछ कोई भी कहे कि हमें इस फील्ड में जाना है, वो सबसे फर्स्ट ना करते, क्यों वो मीडिया को ना करते हैं? क्यों, क्या आपको लगता है कि मीडिया एक रॉन्ग प्लेटफॉर्म है किसी को वर्क करने के लिए, किसी को काम करने के लिए, ये इस फील्ड में नहीं जाना चाहिए, या मतलब ये क्या रॉन्ग है टोटल? द सैड पार्ट इज दैट फिल्म इंडस्ट्री बहुत खुली है, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड और पॉलिटिकल वर्ल्ड और जितने बाकी के जो मीडियम है काम करने के, वो सारे छिपे छुपाए हुए हैं। अगर आप देखोगे तो डॉक्टर का अफेयर नर्स के साथ होता है, टीचर का अफेयर स्टूडेंट के साथ होता है, प्रिंसिपल का अफेयर टीचर के साथ होता है, हर फील्ड में हर सब कुछ होता है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री बड़ी ओपन है इस चीज के बारे में। तो मेरे हिसाब से तो जब ये बोलते हैं कि नहीं हमारे बच्चों को हमको फिल्म इंडस्ट्री में नहीं डालना, मीडिया में नहीं डालना, हमको उनको नौकरी पे डालना, आप मुझे बताओ क्या कॉर्पोरेट फील्ड में जोर जबरदस्ती नहीं होती? क्या कॉर्पोरेट फील्ड में ब्लैकमेल नहीं किया जाता? क्या पॉलिटिकल फील्ड में ब्लैकमेल नहीं किया जाता? या मुझे ऐसा कोई फील्ड दिखाओ जहाँ पे वो फील्ड में कोई गलत काम नहीं होते या कोई गलत चीजें नहीं हो सकती है? क्या आपको लगता है कि कॉर्पोरेट फील्ड में रेप्स नहीं हो रहेंगे, या कोई पॉलिटिशियन ने किसी का बलात्कार किया, ये कभी आपने सुने नहीं? क्या किसी आपने ये नहीं सुना कि कोई बाबा ने किसी का बलात्कार कर दिया? आपने डेफिनेटली सुना है। एग्जैक्टली, तो कितने सारे बाबा लोगों ने भी बलात्कार किए हैं, कितने सारे ऑफिस के लोगों ने कंप्लेन किए बलात्कार के, मोलेस्टेशन के, तो हर स्ट्रीम में ये हो रहा है। लेकिन अगर आपको अपने बच्चों पे ट्रस्ट होना चाहिए, मेरे हिसाब से आप सही हो तो रास्ता सही है, आप गलत हो तो रास्ता गलत होगा। आप अगर गलत रास्ता चुनोगे तो गलत चीजें होगी, आप अगर सही रास्ता चुनोगे तो सही चीजें होगी। शॉर्टकट लोगे लाइफ में तो आपको पता है क्या होने वाला है, लॉन्ग कट लेके चलोगे भले बहुत सारी कठिनाई आएगी, लॉन्ग कट लेके चलोगे तो शायद चीजें बड़ी अच्छी हो जाएगी, वो भी हो सकता है। तो मैं नहीं कहूंगी कि फिल्म इंडस्ट्री में ये सब होता है, कोई आपको जबरदस्ती नहीं करता यार, आपके ऊपर आपको करना आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ तो ये एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, नॉट बिकॉज के मेरे डैड इंडस्ट्री से या कुछ भी, मैंने कोई, ये जो लोग कहते हैं ना कि जिनके डैड वैड फिल्म इंडस्ट्री से होते हैं पेरेंट्स, उनको तो बड़ा इजी सिलेबस पूरे, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम भी मेहनत करके आए हुए जिंदगी लाइफ में, और ट्रस्ट मी मैंने तो एक्सपीरियंस नहीं किया, मेरे साथ तो किसी ने ऐसे कास्टिंग काउचिंग या ये सब की बातें की नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कि देर आर कपल ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑल जिन्होंने अपने तरीके से बोला, लेकिन मेरे ऊपर है तो मैंने तो मना कर दिया, क्योंकि मैं तो हूँ थिएटर आर्टिस्ट, मेरा फोकस ही अलग है, मुझे कोई बॉलीवुड की कैटरीना कैफ, करीना कपूर, इस उतना मेरा सोच या ड्रीम है नहीं, तो मुझे आई एम हैप्पी विद द वे आई एम विद डूइंग व्हाटएवर आई कैन डू। तो आपके ऊपर है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट आप डिपेंड ऑन सर, या कोई आपको जोर जबरदस्ती कहीं पे भी नहीं करता यार, आपको अगर आप अगर फोकस्ड हो, आपको कुछ बनना है लाइफ में, इसके लिए आपको कोई चीजें करनी है, सैक्रिफाइस करनी है, तो आप करिए, और अगर आपको बिना सैक्रिफाइस के भी मिल रहा है तो भी करिए, रास्ता कठिन होता है कभी, रास्ता स्ट्रेट होता है, पूरा आप पर निर्भर है। आज का मैम जो टाइम है ना बहुत फर्स्ट वर्ल्ड, आज के जो बच्चे हैं उनको हर चीज फटाफट यू चाहिए, ऐसा लगता है बस उन्होंने छुटकी घुमाई आ जाना था, आज की थॉट वो हो गई। तो आज के जमाने में लोग क्या चाहते हैं ना, सब शॉर्टकट करके, सिर्फ उनको लगता है पैसा फेंको सब हमारे पास आ जाएगा, सब हम मतलब हाई पोस्ट पर पहुंच जाए। क्या आप
आपको भी ऐसा लगता है या फिर आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज ऐसे फ्रॉड्स हो रहे हैं, मैंने खुद ने भी बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स देखे हैं लोगों को कि लोग पैसा देते हैं कि हम आपको यहाँ तक देंगे, वो करेंगे ऐसा वैसा, वो देते हैं बट फिर वो बोलते हैं एक तरह से गायब हो जाते हैं, नो रेस्पॉन्स एंड नथिंग और बहुत से ऐसे लोग इसमें फंस जाते हैं और इस फंसने के कारण वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई बहुत अमाउंट लगा देते हैं घर से छिपके कोई कुछ। आज के जनरेशन के लिए बहुत बड़ी चीज हो गई, तब उनके लिए क्या कहना चाहोगे कि वो इस फील्ड को या इस स्पेस को किस तरह से सॉर्ट आउट करें? पहली बात तो मैं कई लोगों को कहती हूँ, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को, कि अगर आप में टैलेंट है आपको घूस देने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, जो जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर्स है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के, मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात करूंगी बिकॉज आई एम एन एक्ट्रेस, जो जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर है ना, वो आपसे एक अमाउंट का परसेंटेज लेते हैं, वो भी आपको काम मिलने के बाद 20%, 10%, 15%, कोई 30% लेता है। लेकिन सुनिए, लेकिन मैं ये तो अभी आपके चैनल पे बोलूंगी, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर अगर आपसे पैसे मांगता है, रजिस्ट्रेशन फीस मांगता है या कहता है कि मैं आपको सीरियल में रोल दिलाऊंगा, फिल्म में रोल, 3,000 रुपए, प्लीज कोई जरूरत नहीं है देने की, देर इज नो नीड, क्योंकि ये सारे कौन आर्टिस्ट है, ये फ्रॉड है। जेन्युइन जो कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं वो आपसे एडवांस में पैसे नहीं देता, और आपको क्यों शॉर्टकट अपनाना है यार? मेरा मतलब ये है, फूक फूक के कदम लो, आप जो भी किसी भी फील्ड में उतरते हैं आप एडुकेटेड होके ही उतरते हैं ना, ऐसे नहीं कि आप एडुकेटेड नहीं हो, और आप लोगों को पहले परखो, लोगों को पहले समझो, और फिर ऊपर वाले ने बुद्धि दी है उसे यूज करो थोड़ा, ना कि चीजें करने के बाद पछतावा और बोलो अरे मेरे साथ ऐसा हुआ, अरे आपने होने दिया इसके लिए आपके साथ ऐसा, ठीक है? आप अगर आपको कोई बोल रहा है कि मैं कास्टिंग करवाऊंगा आपके लिए तो आप मेरे साथ ये करो या आप मेरे को आप पैसे दे दो, मेरे साथ घूमो कॉफी पियो, नहीं, रियल कास्टिंग डायरेक्टर्स ऐसे नहीं करते। और आजकल तो थैंक्स टू गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपको सारे डिटेल्स तो खुलेआम गूगल पे मिलते हैं, तो जब कोई आपको बोलता है कि मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ और मैं रजिस्ट्रेशन चार्जेस लेता हूँ और मैं इस सीरियल की कास्टिंग कर रहा हूँ, गूगल पे जाके उसका नाम टाइप करके डिटेल्स देखिए कि वो सच में वैसा है कि नहीं, या फिर जिस चैनल का नाम ले रहे उस चैनल के डिटेल्स निकालिए, उनके टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए, उनके रिसेप्शन नंबर पे कॉल कीजिए और उनको पूछिए कि ये बंदा आपके लिए काम करता है कि नहीं, इससे कई लोगों की जिंदगी सुधर जाएगी। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना इम्पोर्टेंट समय हमें दिया, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू सो मच, आदाब।